गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा टॉपिक निबंध है। निबंध को लिखने के लिए बच्चों पहले तो बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती है। पहला कि क्रमबद्ध में लिखनी चाहिए और सबसे ज़रूरी है कि हमारी इसमें भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए और कोई भी चीज़ हमें दोबारा दोहरा के नहीं लिखना चाहिए। तो मैंने अपने लिखा है, आज का हमारा निबंध है मेरा परिचय। मेरा नाम कुणाल है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं 5 साल का हूँ। मुझे खाने में राजमा चावल पसंद है, मुझे गाना, नाचना, चित्र बनाना और खेलना बहुत पसंद है। मेरा पसंदीदा रंग गुलाबी है। देखिए बच्चों, मैंने जो लिखा है ये बहुत ईजी वे में मैंने लिखा है, बहुत सरल लिखा है। मेरा परिचय, हम अपना परिचय कैसे देते हैं, यह चीज़ मैंने इसमें लिखा है और समझाया है। तो मान लीजिए कोई बच्चा है, वो अपना परिचय लिख रहा है, तो वो बता रहा है कि मेरा नाम कुणाल है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं 5 साल का हूँ, मुझे खाने में राजमा चावल पसंद है, मुझे गाना, नाचना, चित्र बनाना और खेलना बहुत पसंद, मेरा पसंदीदा रंग गुलाबी है। बच्चों अब आप अगर यदि अपना परिचय लिखना चाहते हैं तो कुणाल की जगह अपना नाम लिखेंगे, आप दूसरी कक्षा में पढ़ते या तीसरी में जो भी लिखेंगे, मैं 5 साल का हूँ, 5 की जगह आप जो भी अपने जितने साल के वो लिखें, जो आपको खाने में पसंद है वो आप लिख सकते हैं, आपको गाना, नाचना, चित्र बनाना इनमें से जो पसंद है वो आप लिख सकते हैं। तो अपना परिचय के लिखने का मतलब होता है कि आप अपनी पसंदीदों की चीज़ें अपने बारे में इसमें लिखेंगे। तो ये बच्चा जो है वो अपने बारे में लिखा हुआ है, इसमें लिखा गया है, मेरा नाम कुणाल है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं 5 साल का हूँ, मुझे खाने में राजमा चावल पसंद है, मुझे गाना, नाचना, चित्र बनाना और खेलना बहुत पसंद है, मेरा पसंदीदा रंग गुलाबी है। तो बच्चों आप भी अपनी कॉपियों में इन्हें लिखेंगे और अपना परिचय लिखेंगे तो आप अपने बारे में लिखेंगे और अच्छे से लिखें और याद करें।